हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। क्या आप जानते हो व्हाट इज RCEP, रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यस। आज जो है, हमारी गवर्नमेंट ने RCEP में जुड़ने से मना कर दिया। क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने? RCEP में जुड़ने से मना कर दिया। क्यों मना किया? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। RCEP एक जो है यूनियन है, एसोसिएशन है एशियन देश, जिसमें जापान आता है, चाइना आता है और सारे एशियन देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आता है। ये जो लोग है, ये जो कंट्रीज है, उसका समूह है। अगर हम उसमें जुड़ते हैं, RCEP में हम जुड़ते हैं, तो हमको नुकसान है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने उसमें जुड़ने से मना कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि व्हाट इज RCEP। यस, ये एक पार्टनरशिप है। ये क्या है? पार्टनरशिप है कंट्री के बीच का। किसके बीच का पार्टनरशिप है? कंट्री, यहाँ पे कंट्री जुड़ेंगे। जो यहाँ पे एशियन कंट्री है, जापान है, चाइना है, ये लोग जुड़ेंगे और ये लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? एक संगठन बनाएंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे और एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करना सरल होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने मना क्यों किया इसमें जुड़ने, ये पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए? हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने मना क्यों किया? हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया को फर्स्ट रखती है। हमारे SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, उसको फर्स्ट रखना चाहती है। मतलब क्या? उसको जो है बचाना चाहती है। देखो, हम इसमें जुड़ेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यस, पर उससे भी ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको मानना पड़ता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ, आपको WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर है। तो आपको पता है, MEIS एंड SEIS एक्सपोर्ट में तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट है। MEIS एंड SEIS पर एज पर WTO के हिसाब से कोई भी कंट्री है जो ऐसे बेनिफिट अपने एक्सपोर्ट को नहीं दे सकती। तो अपने हमारी जो गवर्नमेंट है, अब वो जो बेनिफिट है उसको डिसकंटिन्यू कर रही है। क्या कर रही है? उसको डिसकंटिन्यू कर रही है। बाय 2020 से हमको MEIS एंड SEIS नहीं मिलेगा। दूसरे कोई और गवर्नमेंट बनाएगी, बट एज पर WTO के हिसाब से ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर भी ऐसा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ क्या है। तो हम जब संगठन में जुड़ेंगे, हम ये पार्टनरशिप में जुड़ेंगे, तब क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आसान हो जाएंगे, तो बिजनेस करना आसान होगा, बट हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वहाँ से क्या आएगा? मिल्क प्रोडक्ट वगैरह आएगा। तो हमारे आम आदमी है जो फार्मिंग पे है, जो कैटल फीड का काम करते हैं, उसका क्या होगा? तो ये एग्रीमेंट में जुड़ने से हमने क्या नुकसान है? ये एग्रीमेंट में जुड़ने से सस्ती प्रोडक्ट इंडिया में आएगी। जैसे कि मिल्क वगैरह ले लो, तो अगर सस्ता मिल्क इंडिया में बाहर से आता है, तो यहाँ पे अमूल वगैरह है, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैटल का बिजनेस करते हैं, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं, उसका क्या होगा? तो स्मॉल हमारे एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल बिजनेसिस है, ऐसे में है, उसको नुकसान होगा। क्या होगा? उसको नुकसान होगा। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ये जो पार्टनरशिप है RCEP में जुड़ना नहीं जाती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हमें जो है ये पार्टनरशिप में नहीं जुड़ना है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा मूव रखा है और अच्छी बात है, क्योंकि SME को सेव करना चाहती है। देखो, थोड़ा बिजनेस का नुकसान होगा, बट उससे उसका फायदा क्या है कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, तो उसको हमारे फायदा होगा, उसका जो इंटरेस्ट है, SME का इंटरेस्ट सेव होगा यहाँ पे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने RCEP में जुड़ने के लिए मना कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के आप अपडेट चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।